एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही जबरदस्त वेदर हो रहा है, विंटर बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, तो आज मैंने सोचा एक बहुत ही मजे की चीज बनानी चाहिए। बहुत अच्छी सी रेसिपी आज हम बनाएंगे, वो है कश्मीरी चाय। तो चले बनाते हैं चल के। ये मैंने लिया है 3 कप पानी, इसको बॉयल होने के लिए रखा है। इसमें 2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। ये मैंने ले ली है 2 टेबल स्पून ग्रीन टी, आप कोई सी भी ग्रीन टी जो आपके पास अवेलेबल है आप ले लें। 3 कप मैंने पानी लिया और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो कि हम पकौड़ों में यूज करते हैं। और ये मैं लूंगी 1 बादियान का फूल और 6 मैंने ले ली है ग्रीन वाली इलायची, इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसको बनाने रख देंगे और जरा सा मैं इसमें ऐड करूंगी पिंच सॉल्ट। तो हम इसमें ऐड करेंगे पिंच सॉल्ट और इसको बनने के लिए रख देंगे और इसको थोड़ा सा बनाएंगे इतना कि पानी हाफ हो जाए, हाफ पानी रह जाए। अब देखिए तेज आंच पे बन रहा है। इसमें 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया था बेकिंग सोडा, पिंच सॉल्ट और ये इस तरीके से बनने पे आ रहा है। इसको तेज आंच पे ही हमने बनाना है और जब ये हाफ हो जाएगा पानी तो हमने फिर इसके अंदर आगे स्टेप करना है। एक दूसरे चूल्हे पर मैंने रखा है मिल्क, 2 कप मैंने ले लिया था मिल्क। इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़े से पिस्ते, ये साथ में बनते जाएंगे। मिल्क में मैंने ऐड किए थे थोड़े से पिस्ते, 1 टेबल स्पून समझ लें मैंने क्रश कर लिए थे, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की है चीनी। चीनी आप अपनी पसंद के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, मैंने 2 टेबल स्पून यूज की है। और इसको अभी हम बनने देंगे और ये पानी अभी हमारा सब बहुत अच्छी तरीके से बन जाए। फिर हम इसमें चिल्ड वाटर ऐड करेंगे 2 कप। देखें अब ये हमारा कैवा बन रहा है तेज आंच पे, हाफ रह गया है पानी, 3 कप थे, 1.5 कप पानी रह गया है। इस पॉइंट पे अब मैं इसमें चिल्ड वाटर ऐड करूंगी, इसमें बर्फ भी है। अब ये वाला पानी मैं ऐड करूंगी 2 कप। ये मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया है, ये इसकी मेन टिप है। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा सा चेंज हुआ है। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट इसी तरह बनाऊंगी और फिर ये हमारा दूध भी रेडी हो रहा है। इसके अंदर मैंने पिस्ते और चीनी ऐड कर दी थी, अभी 5 मिनट इसको बनाते हैं फिर मिक्स करते हैं। देखिए इसमें कितना अच्छा सा कलर आ गया है इसका। हमने इसमें ठंडा पानी बिल्कुल ऐड किया था, इसके बाद मैंने 3 मिनट इसको और अच्छी तरीके से बनाया है। अब हम इसको ऐड करेंगे मिल्क में। इसमें पिंक कलर आना शुरू हो जाएगा, जितना पिंक हमने रखना है उतना हम कलर इसमें डाल के सेट कर लेंगे। और जो भी कहवा आपका बच जाएगा उसको आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रख के सेव कर सकते हैं, जब दिल चाहे आप इसमें दूध ऐड करके और पिंक चाय बना सकते हैं आराम से। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया। ये देखें कितना अच्छा वाला पिंक कलर आ गया है, जितना आपको पिंक रखना है उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर लें। ये मेरा कहवा जो है थोड़ा बच गया है, इसको मैं फ्रिज में रख के 3-4 दिन भी आराम से सेव कर सकती हूँ। ये देखें अब मैं इसको करूंगी सर्व। ये मैंने इसको पिस्तों से कर दिया है गार्निश और बहुत मजे की मेरी चाय रेडी हो चुकी है।